हे गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। अभी मैं आ गया हूँ सरायपाली में, और सरायपाली से निकल रहा हूँ मैं अर्जुंडा धाम की ओर। पीछे जयस्तंभ चौक है, जयस्तंभ चौक से हम लोग राइट मुड़ चुके हैं पदमपुर रोड की तरफ, और यहाँ से आगे चलते हैं अर्जुंडा। अर्जुंडा में श्याम बाबा का मंदिर बन रहा है बहुत बढ़िया सा, तो आपको वहाँ का दिखाऊँगा मंदिर। गाइज, अभी मैं पहुंच चुका हूं श्याम बाबा के मंदिर में, जो कि अभी निर्माण हो रहा है, और 2 तारीख से यहां का ओपनिंग है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, बहुत भव्य और बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, और 2 तारीख से यहां ओपनिंग होगा, तो 2 तारीख से कार्यक्रम चालू होगा, और यहां लगातार रोज़ रात को कार्यक्रम होगा, दिन में भी कार्यक्रम होगा 2 तारीख से 12 तारीख तक। तो आप यहाँ आ सकते हैं, और अभी आपको अंदर चल के दिखाता हूँ मंदिर का। मंदिर, और ये यहाँ का मुख्य द्वार है, और आप यहाँ से अंदर जा सकते हैं। अंदर जाके वीडियो लेना पता नहीं अलाउ है कि नहीं, बाद में देखेंगे उसको। अभी बाबा सरायपाली पहुँचे भी नहीं है, तो अंदर जाके बनाना वीडियो सही नहीं है। यहाँ पर बगल में देख सकते हो धर्मशाला है, यहाँ पर जो भी भक्त आएंगे उनके रुकने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, को हर चीज़ यहाँ पर व्यवस्था होगी, और निःशुल्क व्यवस्था होगी। और पीछे देख सकते हो ये रसोई है बाबा की, तो वहाँ आपको भी वहाँ भी चल के दिखाता हूँ। वहाँ पर पूरे जितने भी 10 दिन का कार्यक्रम है, 2 तारीख से 12 तारीख तक आपको रात को कार्यक्रम होगा, तो खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। देख सकते हो मंदिर कितना भव्य और कितना सुंदर लग रहा है। इधर पूरा नक्काशी का काम हुआ है, आप इसको जब तक आँख से नहीं देखोगे आपको समझ नहीं आएगा कितना सुंदर है ये, और कैमरे में बिल्कुल भी इसका 1% भी समझ नहीं आ रहा है जितना ज़्यादा ये सुंदर बना हुआ है। और जिस दिन स्टार्ट होगा, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगा 2 तारीख से 10 तारीख तक, आप उस दिन देखें, बहुत ही सुंदर दिखाई देगा आपको। यहाँ पूरा लाइटिंग वगैरह लगा हुआ है, देख सकते हो आप, और रात को इतना सुंदर दिखता है। आप रात को अगर आ रहे हो 2 तारीख के बाद, तो रोज़ रात को कार्यक्रम होगा, आप कार्यक्रम में आ सकते हो, और ये रात का यहाँ का व्यू का मज़ा ले सकते हो। बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर। यहाँ पर कार्यक्रम होगा, आपको दिख रहा होगा सेट वगैरह, तो यहाँ पर पूरा स्टेज वगैरह लगेगा, और जो रोज़ रात को कार्यक्रम होगा, श्याम भक्त आएंगे भजन करेंगे, वो सब के लिए यहाँ पर पूरा पंडाल सजेगा। और जस्ट इसके बगल में ही ये देख सकते हो रुकने की व्यवस्था है, धर्मशाला है ये, परमानेंट धर्मशाला, और हमेशा के लिए रहेगा। जो भी बाहर से आ रहे श्रद्धालुगण उनके ठहरने के लिए भी व्यवस्था है। यहाँ पर जो रोज़ कार्यक्रम होगा उसमें 20 से 25 हज़ार लोगों की बैठने की व्यवस्था, और ज़्यादा अगर श्रद्धालु बढ़ जाते हैं तो और उनकी भी व्यवस्था हो जाएगी। और यहाँ बगल में अपकमिंग प्रोजेक्ट है, यहाँ पर गार्डन वगैरह बनेगा और बहुत सुंदर दिखेगा। और पूरा अभी ये स्टेज सजा नहीं है, स्टेज वगैरह लगेगा, पूरा पंडाल लगेगा, बहुत सुंदर लाइटिंग होगी। रात को आप आके यहाँ देख सकते हो, और मैं भी आके यहाँ वीडियो ज़रूर बनाऊँगा किसी दिन, और अगर रोज़ आना होगा तो रोज़ भी आ सकता हूँ मैं।
गाइज यहाँ पर 2 तारीख से मेला भी स्टार्ट होगा, यहीं थोड़े से दूर में आपका मेला लगेगा। बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है यहाँ पर, तो आप मेला भी इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आएँ तो दिन भर का समय निकाल के आएँ, और हो सके तो यहाँ रुके और इंजॉय करें। यहाँ बगल में पार्किंग की भी व्यवस्था है, 10 से 12 एकड़ यहाँ पर पार्किंग है बगल में, तो आपको आना है तो 2 तारीख से आप आ सकते हो 12 तारीख तक, और उसके बाद भी आप हमेशा के लिए आ सकते हो, लेकिन 2 तारीख से 12 तारीख तक यहाँ प्रोग्राम होगा। आपको मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको, और ये सब यहाँ कार्यक्रम होगा। तो आप यहाँ ज़रूर आएँ और दर्शन करें बाबा के मंदिर के और अर्जुंडा धाम के दर्शन करें। आपको यहाँ आने का एड्रेस आपको गूगल में भी मिल जाएगा, गूगल मैप में, और आप यहाँ सरायपाली में आके किसी से भी पूछ सकते हैं अर्जुंडा धाम कहाँ पर है, वो आपको बता देंगे। तो चलो मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में। जय श्री श्याम।